अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, टुडे द टॉपिक ऑफ एवरीडे साइंसेस दैट वी हैव टू डिस्कस इज़ द सेल वॉल। अब सेल वॉल हमें पता है कि ये सिर्फ प्लांट सेल्स के अंदर होती है, ये हमें एनिमल सेल में नज़र नहीं आती, और ये आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है इन मोस्ट ऑफ द प्लांट सेल। द सेल वॉल ऑफ द प्लांट सेल इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द प्रोकैरियोट्स, यानी जो हमें नज़र आती है बैक्टीरिया के अंदर, उससे सेल वॉल डिफरेंट होती है प्लांट की, बोथ इन द स्ट्रक्चर एंड केमिकल कंपोजिशन। ये बनती कैसे है, इसको अगर हम देखें तो इट इज़ सिक्रेटेड बाय द प्रोटोप्लाज्म ऑफ द सेल। प्रोटोप्लाज्म जो लिविंग पार्ट होता है सेल का, उससे इट्स थिकनेस वेरीज इन द डिफरेंट सेल्स ऑफ द प्लांट, यानी हर एक प्लांट सेल के अंदर ये एक जितनी थिक नहीं होती। इट इज़ कम्पोज ऑफ द थ्री मेन लेयर्स, प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल एंड मिडल लैमेला। अब इसमें थोड़े से जो बच्चे भी कन्फ्यूज होते हैं, इसलिए मैंने सोचा मैं आपको डायग्राम के थ्रू ही बता दूँ कि हमारे पास एक होती है प्राइमरी वॉल, ठीक है, ये एक सेल है प्लांट सेल का, तो इसके बाहर की जो वॉल होगी इसको हम नाम दे देंगे कि दैट इज़ द प्राइमरी वॉल। इसके अंदर जो एक और लेयर बनती है सेल की और वो थिक हो जाती है, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड एज द सेकेंडरी वॉल, इसको हम सेकेंडरी वॉल का नाम देते हैं। और जब दो सेल्स के बीच में, एक ये सेल है, एक ये सेल है, इसी तरह एक और ये सेल है, इसके बीच में ये जो खाली जगह होती है ना, इसको जो चीज़ फिलअप कर रही होती है, दैट इज़ कॉल्ड एज द मिडल लैमेला, इसको हम मिडल लैमेला का नाम देते हैं, ठीक है। सो प्राइमरी वॉल, और प्राइमरी वॉल के अंदर सेकेंडरी वॉल होती है, और दो सेल्स के बीच में जो जगह होती है वहाँ पे मिडल लैमेला होती है। तो अब यहाँ पर हम यही पढ़ रहे हैं कि हमारे पास जो तीन लेयर्स आपको नज़र आती हैं प्राइमरी वॉल में, जो वॉल का स्ट्रक्चर होता है उसमें एक प्राइमरी वॉल होती है, एक सेकेंडरी वॉल होती है और एक मिडल लैमेला होता है। मिडल लैमेला इज़ फर्स्ट टू बी फॉर्म्ड इन बिटवीन द प्राइमरी वॉल्स ऑफ द नेबरिंग सेल्स, यानी नेबरिंग सेल्स मीन जो सेल एक दूसरे के करीब करीब में हैं, जैसे हमसाए में होते हैं, जो सेल एक दूसरे के करीब करीब हैं उनके बीच में जो चीज़ बनती है, जो चीज़ होती है, दैट इज़ कॉल्ड एज द मिडल लैमेला। प्राइमरी वॉल की अगर हम केमिकल कंपोजिशन देखें तो इट इज़ कंपोज ऑफ द सेल्यूलोज एंड सम सेल्यूलोज जो है वो हमारे पास पॉलीसेक्राइड में आ जाता है, कि सेल्यूलोज जो है वो आप समझ लें कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म है, पॉलीसेक्राइड हम कहते हैं। डेपोजिशन ऑफ द पैक्टिन, यानी उसके अलावा जो चीज़ें होंगी वो उसमें पैक्टिन भी होंगे और हेमी सेल्यूलोज भी होंगे। सेल्यूलोज के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी अरेंजमेंट को अगर हम देखें तो उनकी अरेंजमेंट जो है वो आपको सेल्यूलोज मॉलिक्यूल्स आर अरेंज इन अ क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट। अभी क्रिस क्रॉस, जिसको आप उर्दू में ज़रा और ज़्यादा आसान आपके लिए टर्मिनोलॉजी कर दूँ, तो जिसको हम उर्दू में ताना बाना कहते हैं ना, कि एक दफ़ा यूँ है और एक दफ़ा यूँ है, इसको हम कहते हैं क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट, ये हमें नज़र आती है इसके अंदर। द प्राइमरी वॉल इज़ अ ट्रू वॉल एंड इज़ डिवेलप इन न्यूली फॉर्म्ड या न्यूली ग्रोन सेल, कि जो बिल्कुल ट्रू वॉल हम जिसको कहते हैं वो प्राइमरी वॉल को कहते हैं, और जब भी कोई नया सेल बनता है तो उसके बाहर प्राइमरी वॉल जो है वो प्रेजेंट होती है। द सेकेंडरी वॉल इज़ फॉर्म्ड ऑन इट्स इनर सर्फेस एंड इज़ कंपेरेटिवली थिक एंड रिजिड। जो सेकेंडरी वॉल होती है वो प्राइमरी वॉल के, जैसे मैंने आपको यहाँ पर भी बताया कि प्राइमरी वॉल के अंदर बनती है और वो ज़्यादा थिक होती है और ज़्यादा रिजिड होती है। केमिकल कंपोजिशन अगर हम देखें तो इट इज़ कम्पोज ऑफ द इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, सिलिका, वैक्सेस, क्यूटिन, लिग्निन। अब ये सारी चीज़ें जो हैं वो मोस्टली कार्बोहाइड्रेट्स में से आती हैं। एंड इन द प्रोकैरियोटिक वॉल इट लैक्स सेल्यूलोज। जो प्रोकैरियोट्स होंगे जैसे बैक्टीरिया वगैरह, उनके अंदर जो सेल वॉल होगी उसके अंदर हमें सेल्यूलोज नज़र नहीं आता। इट्स स्ट्रेंथनिंग मटीरियल इज पेप्टाइडोग्लाइकन, द नेम इज़ म्यूरिन। जो हमें बैक्टीरिया के अंदर नज़र आती है सेल वॉल, वो जिस चीज़ की बनी हुई होती है उसको हम म्यूरिन का नाम देते हैं, और जो फंगस की सेल वॉल होती है उसके अंदर काइटिन प्रेजेंट होता है। अब काइटिन जो है वो भी कार्बोहाइड्रेट्स में से आता है। सेल वॉल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट प्रोवाइड्स अ डेफिनेट शेप टू द सेल एंड कीप्स इट रिजिड। सेल वॉल काम क्या होता है, कि ये एक तो सेल को शेप देती है, उसको रिजिड रखती है। इट डज नॉट एक्ट एज अ बैरियर टू द मटीरियल पासिंग थ्रू इट। सेल मेम्ब्रेन का हमने कल डिस्कस किया था कि वो एक्ट करती है एज अ बैरियर, हर चीज़ को नहीं गुजरने देती, लेकिन सेल वॉल जो होती है वो हर चीज़ को पास करने देती है, वो हर चीज़ को गुजरने देती है। अच्छा जी, उसके बाद हम आ जाएंगे ऑन द साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म क्या है, अगर हम इसकी पिछली डायग्राम जो है उसको देखें तो आप ये देखेंगे कि जो सेल की बाहर वाली बाउंड्रीज हैं उसके अंदर ये जो जगह है सारी, ये खाली तो नहीं है, इसमें खला तो नहीं है या स्पेस तो नहीं है, अब ये किसी ना किसी चीज़ से भरी हुई है।
और वो लिक्विड जो होता है जिसने सारी अंदर की जगह को भरा हुआ होता है दैट इज़ कॉल्ड एज द साइटोप्लाज्म, उसको हम साइटोप्लाज्म का नाम देते हैं। फिर सेल के जितने भी ऑर्गेनल्स हैं यानी सेल के अंदर जितनी भी चीज़ें होती हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होती हैं और सारे काम वहीं पर हो रहे होते हैं। सो द लिविंग कॉन्टेंट ऑफ द यूकैरियोटिक सेल्स आर डिवाइडेड इनटू द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म, के जो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म जो हैं वही मेन रोल प्ले करते हैं। द टू कलेक्टिवली फॉर्म प्रोटोप्लाज्म, फिर हम प्रोटोप्लाज्म किसको कह रहे हैं, न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म जो है उसको अगर हम इकट्ठी एक टर्म उनके लिए यूज़ करें तो दैट इज़ द प्रोटोप्लाज्म। अच्छा जी, देन उसके बाद साइटोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ एन एडिकेट एक्वस ग्राउंड सब्सटेंसेस, एक्वस का मतलब होता है पानी, लिक्विड फॉर्म में है ये, स्टांसेस कंटेनिंग अ वेराइटी ऑफ द सेल ऑर्गेनल्स एंड अदर इंक्लूजन सच एज इनसॉल्युबल वेस्ट, स्टोरेज प्रोडक्ट्स। इसके अंदर क्या क्या होता है, इसमें मतलब ये जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर जितना भी सेल के अंदर प्रोडक्ट्स बन रही हैं, अब चाहे वेस्ट मटेरियल हैं चाहे कोई चीज़ स्टोरेज हो रही है, वो सारी की सारी कहाँ हो रही है, साइटोप्लाज्म में हो रही है। द सॉल्युबल पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइटोसोल, अब जो इसका सॉल्युबल पार्ट है उसको हम साइटोप्लाज्म का जो होता है उसको साइटोसोल कहते हैं। इट फॉर्म्स द ग्राउंड सब्सटेंसेस ऑफ द साइटोप्लाज्म, यानी ये वो जगह है साइटोसोल, ये वो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर सारे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। केमिकली इट इज़ अबाउट 90% वाटर, अब हम साइटोप्लाज्म के अंदर देखें अगर इसकी केमिकल कंपोजिशन क्या है, क्या क्या कुछ प्रेजेंट है इसके अंदर, तो 90% इसमें वाटर है। एंड इट फॉर्म्स अ सॉल्यूशन कंटेनिंग ऑल द फंडामेंटल मॉलिक्यूल्स ऑफ द लाइफ इन द साइटोप्लाज्म, स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड आयंस मे फॉर्म ट्रू सॉल्यूशन एंड सम लार्ज मॉलिक्यूल्स फॉर्म द कोलाइडल सॉल्यूशन। अच्छा ये केमिस्ट्री की दो टर्म्स हैं, ट्रू सॉल्यूशन होता है जैसे आपने चीनी पानी में डाली और उसको घोला तो वो घुल गई, ठीक है, वो ट्रू सॉल्यूशन होता है। लेकिन यही अगर आप मिट्टी डाल देते हैं पानी के अंदर उसको घोलते हैं तो वो आपको सस्पेंडेड फॉर्म में नज़र आती है, यानी वो बीच में ही उसके मिक्स नहीं होती, उसके अंदर अलग से नज़र आ रही होती है। ऐसा जो सॉल्यूशन होता है दैट इज़ कॉल्ड कोलाइडल सॉल्यूशन, इसको हम कोलाइडल सॉल्यूशन कहते हैं जो सस्पेंशन की फॉर्म में होता है। कोलाइडल सॉल्यूशन जो होता है फिर हम उसको कहते हैं इट मे बी अ सोल नॉन विस्कस और अ जेल विस्कस। विस्कोसिटी से हमारी मुराद होती है कि किसी चीज़ का गाढ़ापन कितना है, जो चीज़ जितनी ज़्यादा गाढ़ी होती है हम कहते हैं उतनी ज़्यादा उसकी विस्कोसिटी है, वो इतनी विस्कस है। पेरिफेरल पार्ट ऑफ द सेल आर ऑफन लाइक अ जेल, कि जो पेरिफेरल पेरिफेरी हम कहते हैं बाहर का एरिया, जो उसके मेम्ब्रेन के साथ साथ जो एरिया होता है वो जेल की तरह का होता है। द इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द साइटोप्लाज्म इज टू एक्ट एज अ स्टोर हाउस ऑफ वेरियस केमिकल्स, इट इज़ ऑल्सो साइट फॉर सर्टेन मेटाबॉलिक प्रोसेस सच एज द ग्लाइकोलाइसिस। अब ग्लाइकोलाइसिस जो है वो रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है उसका फर्स्ट स्टेप है। इसमें हम ये कह रहे हैं कि जो हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन आता है साइटोप्लाज्म का वो यही होता है कि वो उसमें स्टोर हाउस के तौर पर एक्ट करना होता है कि जहाँ पर सारे प्रोसेस हो रहे हैं। इन द लिविंग सेल द साइटोप्लाज्म कंटेन्स सेवरल सेल ऑर्गेनल्स सच एज, अब उसके अंदर क्या क्या हो सकता है, जो साइटोप्लाज्म है उसमें आपके पास आ जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गॉल्जी कॉम्प्लेक्स, न्यूक्लियस, प्लास्टिड्स, राइबोसोम, लाइसोसोम्स एंड सेंट्रियोल्स। द फ्री फ्लोटिंग सेल ऑर्गेनल्स, फ्री फ्लोटिंग मीन के जो किसी एक जगह के ऊपर फिक्स नहीं है बल्कि वो घूमते रहते हैं सेल के अंदर, आसानी से मूव करते रहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है वो मूव करता है अबाउट इन द साइटोप्लाज्म ड्यू टू द साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट एंड दिस इज एक्टिव मैस मूवमेंट ऑफ द साइटोप्लाज्म, कि साइटोप्लाज्म कोई रुकी हुई चीज़ नहीं है कि हम कहें भाई सेल के अंदर पानी की तरह का एक मटेरियल है और वो बस रुका हुआ है, ऐसे नहीं है। जैसे समंदर है ना वो अपनी जगह पे रहता है लेकिन उसमें लहरें बनती रहती हैं, इसी तरह साइटोप्लाज्म जो होता है सेल के अंदर वो भी रुका हुआ नहीं होता, वो भी मूव करता रहता है और उसके साथ साथ कुछ चीज़ें जो होती हैं कुछ स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो मूव करते रहते हैं। अब इनमें हमने वन बाय वन इन सारे स्ट्रक्चर्स को स्टडी करना है, उसमें आपके पास जो फर्स्ट हमने स्टडी करना है दैट इज़ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये आपको नीचे डायग्राम में भी नज़र आ रहा है कि ये सिस्टम जो है पूरा ट्यूब्यूल्स का सिस्टम है और इसमें ये देखें इसकी डायग्राम पे पहले आप देखें तो सेल के सेंटर में जो होता है वो न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस से एक सिस्टम ऑफ ट्यूब्स जो है वो इस तरह से जुड़ा जुड़ा सा आपको नज़र आ रहा है और वो चलता है। इसको हम सिस्टर्नल स्पेस का नाम देते हैं जो अंदर खाली जगह है, दीज आर कॉल्ड एज द सिस्टर्नी, जिसके ऊपर आपको दाने दाने से नज़र आ रहे हैं दीज आर कॉल्ड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसके ऊपर आपको ये दाने या डॉट नज़र नहीं आ रहे हैं उसको हम कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम,
और ये जो है आपके पास न्यूक्लियर यानी न्यूक्लियस जो सेंटर होता है सेंटर में होता है आपको नज़र आता है इन द सेल, वो उसके पार्ट्स नज़र आ रहे हैं। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है अंडर एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप अ नेटवर्क ऑफ चैनल्स इज सीन एक्सटेंडिंग थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म। दीज चैनल्स आर ऑफन कंटिन्यूस विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड ऑल्सो अपेयर टू बी इन कंटेक्ट विद द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। कि ये जो सिस्टम आपको एक चैनल्स का नज़र आ रहा होता है, इसके अंदर एक तरफ तो ये न्यूक्लियस से जुड़े हुए होते हैं और दूसरी तरफ जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। देन उसके बाद दिस एंटायर सिस्टम ऑफ चैनल्स इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। द मेम्ब्रेन वेरी वाइडली इन अपेयरेंस फ्रॉम सेल टू सेल। द मटीरियल प्रेजेंट इन दीज चैनल्स इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म मटीरियल बाय द स्फेरिकल और ट्यूबुलर मेम्ब्रेन द कार्ल सिस्टर्नी। अब जो मटेरियल इसके अंदर प्रेजेंट है वो साइटोप्लाज्म के अंदर जो बाकी मटेरियल है उसके साथ एक अलग होता है और उसको जो अलग करने वाली लेयर होती है दैट इज कार्ल सिस्टर्नी। फिर हम आ जाते हैं इसकी टाइप्स के ऊपर। इसकी दो टाइप्स होती हैं। देर आर टू मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक को हम कहते हैं रफ फॉर्म विद अटैच राइबोसोम्स और एक जो होती है दैट इज कार्ल्ड एज द स्मूथ फॉर्म विदाउट राइबोसोम्स। द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इन्वॉल्व्ड इन द सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन्स। आफ्टर सिंथेसिस द प्रोटीन्स आर ईदर स्टोर्ड इन द साइटोप्लाज्म और एक्सपोर्टेड आउट ऑफ द सेल थ्रू दीज चैनल्स। द स्मूथ सर्फेसिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प्स इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ द हार्मफुल ड्रग्स। नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स helps in the metabolism of the number of the different types of the molecules, particularly lipids. They are also help in the to detoxify the harmful drugs. It in some cells SER is responsible for the transmission of the impulses, for example in the muscle cell, nerve cell. In addition, SER also plays an important role in the transport of material from one part of the cell to the other. Endoplasmic reticulum also provides mechanical support to the cell to that its shapes is maintained. अब इसके फंक्शन क्या क्या हैं? जहाँ पर तो ये आपको नज़र आ रहे हैं ना डॉट्स लगे हुए जिनको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह रहे हैं, इसमें तो जो है ना प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है, प्रोटीन बन रही है, इसका काम तो ये है। लेकिन जो दूसरी टाइप है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, उसके फंक्शन डिफरेंट हैं। वहाँ पर प्रोटीन नहीं बनती, प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं होती। वो क्या करना है उसने, उसने नर्व को ट्रांसमिट करना है, जो नर्व इम्पल्सिस होती हैं। देन उसने कुछ जो हम हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिक मटेरियल होते हैं उनको डिटॉक्सिफाई करना होता है। देन उसके बाद उसने सेल की शेप को मेंटेन करना होता है, उसने मैकेनिकल सपोर्ट देनी होती है सेल को, और इसी तरह के काम जो है वो परफॉर्म करने होते हैं। तो इसको याद करने का तरीका ये है कि पहले आप उसकी डेफिनेशन बताएं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम किसको कहते हैं, उसके बाद आप उसका स्ट्रक्चर बताएं, उसके बाद आप उसकी टाइप्स बताएं, फिर हर टाइप का अलग अलग फंक्शन लिखें। तो यहाँ तक जो है वो हमने आज कर लिया है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक।